क्योंकि इस्लामिक मान्यताएं भेदभाव और शोषण का को सिरे से खारिज करती हैं। इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बहाली हुई है, जो वर्षों से भेदभाव, शोषण और अन्याय की शिकार रही। हम अदालत द्वारा मुस्लिम महिलाओं के साथ किए गए इस तर्कपूर्ण और न्यायपूर्ण फैसले का स्वागत करते हैं। अनेकों याचिकाओंकर्ताओं द्वारा कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा भी ये दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई कि ट्रिपल तलाक या तलाके बिद्दत, यानी तीन बार एक समय में बोला गया तलाक, इस्लाम धर्म की मुख्य धारा के खिलाफ है और अधिकतर इस्लामिक देशों में भी इसकी मान्यता नहीं। इसकी मान्यता ना कुरान शरीफ में है और ना हदीथ में, जो दो इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस की मुख्य धाराएं हैं। अदालत ने बहुमत से यह भी निर्णय किया कि भिन्न भिन्न पर्सनल लॉस, यानी राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 संविधान के अंदर दिया गया है, उसे हमेशा आप स्ट्रिक्टली चैप्टर 3 के आधार पर उसका आकलन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उस वाइडर विजडम की रिकॉग्निशन है जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय संगत व्यवहार की वकालत की गई थी। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस न्याय संगत और तर्क संगत निर्णय से अब सब पक्ष सेटिस्फाइड भी होंगे और इस पूरे विवाद का पटाक्षेप भी हो जाएगा। वी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑन दिस इश्यू एंड अदर इश्यूज, बट आई विल रिक्वेस्ट बिफोर दैट, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से स्कैंडलेस एंड शॉकिंग न्यूज एमिनेटिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, एंड आई विल नाउ रिक्वेस्ट श्री पीएल पूनिया यू कम दिस साइड टू से फ्यू वर्ड्स ऑन द इश्यू।